हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्किल गैरेजेस में। हाल ही टॉर्क मोटर ने अपनी क्रेटोस और क्रेटोस आर को लॉन्च किया है। पिछली वीडियो में इसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर की थी, फिर भी बहुत सारे लोगों के मन में इसकी डिलीवरी, इसकी बुकिंग, इसकी रेंज, इसकी बैटरी और मिलने वाली सब्सिडी को लेकर काफ़ी सारे सवाल उनके मन में आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में उन सभी सवालों और उन सवालों के क्या जवाब हैं इसके ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, हो सकता है आपके सवाल का जवाब भी इस वीडियो में मिल जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सवाल नंबर एक की। तो वो है, इस इलेक्ट्रिक बाइक को यानी कि क्रेटोस और क्रेटोस आर को कैसे बुक करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको www.torquemotors.com पर जाकर बुक नाउ पर क्लिक करना होगा, जिसमें आप अपनी डिटेल्स और 999 का बुकिंग अमाउंट पे करके इसे बुक करवा सकते हैं। फिर आपको इसकी टेस्ट राइड कराया जाएगा और टेस्ट राइड के बाद अगर आपको बाइक पसंद आती है तो टॉर्क की फाइनेंशियल टीम द्वारा आपको सारी डिटेल्स दी जाएगी और फिर फाइनल पेमेंट लेकर गाड़ी की डिलीवरी डेट आपको दी जाएगी। और इसमें आपको EMI और फाइनल पेमेंट के बारे में सारी डिटेल्स फाइनेंशियल टीम द्वारा बताई जाएगी। इसके बाद सवाल आता है कि एक बार आपने बाइक की बुकिंग कर दी तो अब कंपनी द्वारा आपको इसके प्रोसेस की अपडेट्स कैसे मिलेगी। तो बुकिंग डन होने के बाद कंपनी द्वारा आपको समय समय पर SMS और ईमेल्स द्वारा अपडेट्स मिलती रहेंगी। अगला सवाल आता है, इस इलेक्ट्रिक बाइक की बुकिंग और पेमेंट के बाद यह आपको कैसे मिलेगी। तो कंपनी इसे आपके घर पर ही डिलीवर करेगी, आपको इसके लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इस बाइक को आप पूरे इंडिया में कहीं से भी बुक करवा सकते हैं और फिलहाल इसके शोरूम भी अवेलेबल नहीं है, तो इसकी डिलीवरी आपको घर पर ही मिलेगी। अगला सवाल आता है इस इलेक्ट्रिक बाइक की रेंज का। तो इंडियन ड्राइविंग साइकिल के हिसाब से इसकी रेंज 180 किलोमीटर बताई गई है और रियल वर्ल्ड रेंज सिंगल चार्ज में 120 किलोमीटर, वो भी आइडल कंडीशंस के हिसाब से। और इसके अंदर तीन अलग अलग मोड दिए गए हैं, इको, स्पोर्ट और सिटी मोड। इनके अंदर भी इसकी रेंज ड्राइविंग कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग है। अगला सवाल आता है, क्या इसको लेट नाइट में चार्ज लगाकर छोड़ सकते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि इसमें कट ऑफ चार्जिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। एक बार बैटरी फुल चार्ज होने के बाद यह अपने आप कट ऑफ हो जाएगी और बैटरी खराब होने से बच जाएगी। अगला सवाल आता है, इस इलेक्ट्रिक बाइक पर वारंटी पॉलिसी का। तो इस इलेक्ट्रिक बाइक पर आपको 3 साल या 40,000 किलोमीटर में से जो भी पहले हो तक की वारंटी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या इस बाइक को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। तो इसका आंसर है हाँ, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रिक बाइक हाई स्पीड बाइक्स हैं, जिनकी टॉप स्पीड 100 km/h और 105 km/h है। अगला इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि इस इलेक्ट्रिक बाइक पर सब्सिडी का अमाउंट कैसे मिलेगा। तो कंपनी ने जो क्रेटोस और क्रेटोस आर की फाइनल प्राइसिंग बताई है वह फेम 2 और स्टेट सब्सिडी के बाद की प्राइसिंग है। तो कस्टमर को इस इलेक्ट्रिक बाइक पर सब्सिडी के लिए कुछ भी नहीं करना है। अगला सवाल आता है, इसकी टॉप स्पीड कितनी रहेगी। तो आपको बता दें, क्रेटोस वेरिएंट में बाइक की टॉप स्पीड 100 km/h की और क्रेटोस आर में 105 km/h की इसकी टॉप स्पीड रहेगी। अगला इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि इस इलेक्ट्रिक बाइक को बारिश में चलाया जा सकता है। तो इसका आंसर है हाँ, इसे बारिश में चलाया जा सकता है, क्योंकि इसकी बैटरी IP67 रेटेड वाटरप्रूफ है, तो बारिश में इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो दोस्तों, यह थे इस बाइक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर। उम्मीद है आपके सवाल का जवाब इस वीडियो में ज़रूर मिला होगा। अगर इसके अलावा कोई और सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, उसका जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।